गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्यपुस्तक का पद्य भाग का अगला अध्याय ऋतुराज, जिनके द्वारा लिखित एक कन्यादान नामक कविता हमारे पास प्रस्तुत की गई है या हमारे लिए प्रस्तुत की गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऋतुराज के बारे में। ऋतुराज का जन्म 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्ष तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब वो सेवानिवृत्ति लेकर के जयपुर में रह रहे हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें प्रमुख हैं एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखारविंद। उन्हें सोमदत्त परिमल पुरस्कार, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान, प्यारी पुरस्कार आदि कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। इन्होंने अपनी कविता का जो मुख्य विषय लिया है वो समाज की मुख्य धारा से अलग, हाशिए के ऊपर सरकते हुए लोग जिनको समाज अपनी बराबरी में नहीं मानता, ऐसे अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थ हमें देखने को मिलता है और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाएं जो भी है उनके ऊपर अपनी कविताओं के माध्यम से क्या कर रहे हैं, निगाह डाल रहे हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं प्रस्तुत की गई कविता के बारे में। प्रस्तुत की गई कविता समाज की एक ऐसी परंपरा की ओर संकेत कर रही है जिसमें लड़की को कन्यादान की परंपरा के स्वरूप विवाह के पश्चात दूसरे परिवार को दे दिया जाता है या दूसरे परिवार में भेज दिया जाता है। पुत्री जो माँ के सबसे निकट होती है, जिससे माँ अपने जीवन के सुख दुख, अच्छा बुरा सब कुछ अनुभव बांटती है, बताती है, वो पुत्री माँ के लिए जीवन की अंतिम पूंजी होती है। क्योंकि भारतीय समाज में स्त्री को परंपरागत आदर्श के रूप में ऐसे बांधा गया है, ऐसी समाज व्यवस्था की गई है कि हम उन्हें आदर्शों की चमक में छुपा करके रखना चाहते हैं। कवि इन आदर्शों को स्त्री जीवन का बंधन मानता है। वो चाहता है कि स्त्री उन बंधनों को तोड़े, क्योंकि ये जो आदर्श रूपी बंधन स्त्री के जीवन के हैं, इन आदर्श रूपी बंधनों का परिणाम क्या होता है, स्त्री पर अत्याचार होते हैं। इस कोमलता के गौरव में औरत की जो कमजोरी होती है उसका मानव समाज क्या करता दिखाई देता है, उपहास करता दिखाई देता है। इसलिए कवि कहता है कि लड़की तो होना मगर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कविता में कवि ने केवल कोरी भावुकता को प्रस्तुत नहीं किया बल्कि माँ ने अपने जीवन में जो अनुभव संचित किए हैं उनकी पीड़ा को प्रामाणिक रूप से अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया है। कविता छोटी सी है परंतु ऋतुराज जी की जो स्त्री जीवन के प्रति गहरी संवेदनशीलता है उसको प्रकट करते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि आज स्त्री के लिए जितने भी आदर्श स्थापित किए गए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से देखें तो तप, त्याग, दया, क्षमा, करुणा, परोपकार, मैत्री, ममता, वात्सल्य, स्नेह, माधुर्य, ये सब क्या करते हैं, स्त्री को कमज़ोर करते हैं। और समाज ऐसा मानता है कि मानो ये सब आदर्श स्त्री के जीवन के गहने हैं जो उसको चमक देते हैं, उसके जीवन का एक प्रतिमान स्थापित करते हैं, परंतु वास्तव में यही आदर्श उसके जीवन की कमजोरी भी होते हैं जिसके कारण उस स्त्री को अपने जीवन में अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। तो कवि इन आदर्शों के बंधनों से स्त्री को मुक्त करना चाहता है, इन आदर्शों का प्रतिकार करते हुए लड़की जैसा न दिखाई देने की बात करता है। अब कवि कविता को प्रस्तुत करते हुए कह रहा है कितना प्रामाणिकता उसका दुख लड़की को दान में देते हैं वक्त। यहाँ पर माँ के दुख के बारे में कवि बात कर रहा है कि उस माँ का दुख कितना प्रामाणिकता, प्रामाणिक किसे कहा जाता है, जो आपके साथ घटित हो चुका होता है, प्रमाण मिल चुका होता है। तो माँ के साथ जो घटित हो चुके थे वो उसके जीवन के अनुभव थे जो उसको प्रामाणिक रूप से प्राप्त हो चुके थे। अब
वो अपने पुत्र के साथ उन अनुभवों को बांटा करती थी, परंतु आज उस पुत्री का क्या कर रही थी, वो कन्यादान कर रही थी, और वो पुत्री उसके जीवन की क्या थी, अंतिम पूंजी थी, क्योंकि उसके बाद उसके पास कोई भी नहीं रहेगा जिसके साथ वो अपने सुख दुख का अनुभव बांट सके। इसलिए कवि कह रहा है कि कितना प्रामाणिकता उसका दुख, कि उस माँ का दुख कितना प्रामाणिकता, जिसने अपने जीवन में भोगा था, उसने अपने जीवन में अनुभूत किया था, और वो उन्हीं अनुभवों को, उन दुखों से प्राप्त अनुभवों को आज जब लड़के का कन्यादान कर रही है, लड़के को दान दे रही है, उस समय मानो वो उन अनुभवों को अपने पुत्री को प्रदान कर रही है, और उन अनुभवों को प्रदान करते हुए देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वो लड़की और वो अनुभव ही उसके जीवन की अंतिम पूंजी हैं जो वो अपने पुत्री को प्रदान कर रही है। तो क्या कहा, कितना प्रामाणिकता उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, कि उस माँ का दुख कितना प्रामाणिकता जो उसने अपने जीवन में भोगा था, और वो उन अनुभवों को आज अपने पुत्री को जब दान में दे रही थी तो वो उस पुत्री को प्रदान करते हुए दिखाई दे रही है, और उस समय ऐसा लग रहा है कि मानो वो अनुभव और वो पुत्री ही उसके जीवन की अंतिम पूंजी है। अब वो पुत्री को क्यों देना चाहती है, क्योंकि लड़की जब तक माँ बाप के आश्रय में रहती है, माता पिता के शरण में रहती है, तब तक पुत्री को सुखों का एहसास तो होता है मगर दुखों का अनुभव नहीं होता। तो कवि क्या कहता है उस लड़की की स्थिति को प्रकट करते हुए कि माँ उसे क्यों अनुभव दे रही थी, कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, कि लड़की अभी इतनी समझदार नहीं हुई थी, सयानी समझदार, अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास होता था, कि लड़की अभी तो इतनी भोली थी, अभी तो इतनी सरल थी कि उसे अपने जीवन में माता पिता के समीप रहते हुए, माता पिता के आश्रम में रहते हुए सुख का आभास तो होता था, कि सुख को तो वो महसूस करती थी क्योंकि उसे जीवन में सुखी सुख प्राप्त हो रहा था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था, लेकिन उसे दुखों को बाँचना नहीं आता था, बाँचना यानी पढ़ना नहीं आता था। क्यों ऐसा क्यों कहा कवि ने, क्योंकि कवि का मानना है कि पाठिकाती व धुंधले प्रकाश की जीवन रूपी कविता जो है, उस कविता में सुख और दुख की जो पंक्तियाँ लिखी गई है उसमें वो एक ऐसी पाठिका है जिसके सामने सुख और दुख धुंधले रूप में है, मतलब सुखों को तो अनुभूत कर लिया मगर दुखों को उसने पढ़ना नहीं सीखा। तो क्या कहा कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कि वह उन सुख और दुख को पढ़ने वाली एक ऐसी पाठिका थी जिसके सामने सुख और दुख धुंधले रूप में थे, कुछ सुखों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो अब नीचे वाली लाइन से हम इसका अर्थ देखते हैं कि कुछ सुखों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, कि जीवन रूपी कविता में जो सुख और दुख की, दुख और लय से युक्त जो पंक्तियाँ थी उनको पढ़ने वाली वो एक ऐसी धुंधली पाठिका थी, वो एक ऐसी पाठिका थी जिसे सुख का आभास होता मगर दुखों को पढ़ना नहीं आता था, इसलिए माँ ने उसे अपने अनुभव प्रदान किए। अब माँ उसे सावधान करते हुए क्या कह रही है, देखो कि माने का पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। यहाँ पर पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर रिझने से मतलब है कि अपनी सुंदरता के प्रति आकर्षित मत हो जाना या सुंदरता में ही मत डूब जाना, क्योंकि तू सुंदरता में डूब गई तो कहीं ऐसा ना हो कि जिस आईने में, जिस दर्पण में, जिस पानी में तू देख करके अपनी सुंदरता पर आकर्षित होगी, कहीं वही पानी तेरे डूब कर मरने का कारण बन जाए। तो क्या कहा कि माँ ने कहा पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। माँ क्या कह रही है कि मेरी पुत्री तू पानी में झाँक कर अपनी सुंदरता पर आकर्षित होकर के अपने चेहरे के सुंदरता के ऊपर मत रिझना, मत आकर्षित होना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो पानी जिसमें तू अपनी सुंदरता को देख करके आकर्षित हो रही है वही पानी तेरे डूब कर मरने का कारण बन जाए। उसके पश्चात माँ कह रही है कि आग रोटियाँ सेकने के लिए जलने के लिए नहीं, कि तू उस ससुराल में जो आग जलाई जाएगी उसका उपयोग केवल रोटियां सेकने के लिए करना, ऐसा कोई कार्य मत करना कि तू उस आग में जलाई जाए। तो क्या कहा उस आग का उपयोग केवल रोटियां सेकने के लिए करना, क्योंकि वो आग केवल रोटियां सेकने के लिए, वो तेरे जलने के लिए नहीं है, इसलिए कोई ऐसा कार्य मत करना कि उस आग का उपयोग तेरे को जलाने के लिए किया जाए। अब स्त्री की एक कमजोरी को प्रकट करते हुए कवि यहाँ पर बता रहा है कि स्त्री का आकर्षण वस्त्रों और आभूषणों के प्रति प्रेम होता है, तो अब वो क्या करती है उन वस्त्रों और आभूषणों के भ्रम में फंस करके वो सांसारिक जीवन में उलझ जाती है, उस ससुराल के जीवन में, उस परिवार के जीवन में उलझ जाती है। तो उस उलझन से बचने के लिए कवि कह रहा है कि जैसे कविता में कवि क्या करता है शब्दों का भ्रम डालता है और पढ़ने वाला पाठक शब्दों के भ्रम में उलझ जाता है, उसी प्रकार से स्त्री वस्त्रों और आभूषणों के जाल में फंस जाती है। तो क्या कहा कि वस्त्रों और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, कि जिस तरह कवि कह रहा है शाब्दिक भ्रम मतलब कविता में जो शब्दों का भ्रम है
वो शाब्दिक भ्रम क्या करता है, पढ़ने वाले पाठक को उलझा लेता है। उसी तरह से वस्त्र और आभूषण भी नारी के लिए क्या है, उस परिवार के बंधन के कारण है। तो कवि ने कहा कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। कवि कह रहा है कि हे मेरी पुत्री, तू वस्त्र और आभूषणों के भ्रम में मत उलझ जाना, कि जिस प्रकार से कविता में कवि शब्दों का भ्रम डालता है और शब्दों के भ्रम से पाठक को अपने आप में उलझा लेता है, उसी तरह से ये वस्त्र और आभूषण भी उस सांसारिक जीवन में तेरे बंधन के कारण बन जाएंगे। स्त्री जीवन का सबसे बड़ा बंधन का कारण ये वस्त्र और आभूषण ही है, इसलिए तू इनके प्रति अपने आप को समर्पित मत कर देना, इनके प्रति आकर्षित मत हो जाना या इनके भ्रम में मत फंस जाना। अंत में पुत्री को सीख देते हुए माँ क्या कह रही है, कवि ने उस बात को प्रकट करते हुए कहा कि माँ ने कहा लड़की हो ना, कि माँ क्या कह रही है कि मेरी पुत्री तू नारी तो बने रहना, लड़की तो बने रहना, अर्थात स्त्रियोचित जितने भी गुण हैं जो अभी मैंने आपको बताया, तप त्याग दया क्षमा करुणा परोपकार मैत्री, इनको अपने जीवन में स्वीकार करके लड़की तो बनी रहना, वरन इन गुणों से वरण या न परंतु इन गुणों को धारण करके अपने आप को कमज़ोर मत करना, अर्थात कमज़ोर लड़की की तरह अपने आप को दिखाई मत देना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, परंतु इन गुणों को धारण करके तो कमज़ोर मत होना और इन गुणों को अपने जीवन के कमजोरी मत बनाना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि यही गुण तेरे ऊपर होने वाले अत्याचार का कारण बन जाए। इसलिए तू लड़की तो बने रहना, स्त्री के लिए जो गुण निर्धारित किए गए हैं, जो आदर्श निर्धारित किए गए हैं, उनको जीवन में स्वीकार तो करना, परंतु इन गुणों को अपने जीवन की कमजोरी मत बनाना। अगर तूने इन गुणों को अपने जीवन की कमजोरी बना लिया तो ये तेरे ऊपर इस मानव जीवन में होने वाले अत्याचार का कारण बन जाएंगे। धन्यवाद।